अपने फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर का सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें था। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ पहले से सर्च किए हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वो जो सर्च पहले से आप जो किए हुए हैं वो कोई देखे, और ऐसे में क्या होता है कि कभी आपके साथ कोई बैठा रहता है, आपके घर परिवार का कोई भी, या फिर ऐसा कोई जिसको आप नहीं चाहते कि वो देखे, और जैसे उसके सामने कभी क्रोम ब्राउजर या गूगल में जैसे आप सर्च करने जाते हैं, जैसे सर्च बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है ना कि आपके लिखने से पहले नीचे में ढेर सारा आ जाता है, तो जो पहले से आप सर्च किए रहते हैं ना वो सब वहां पर दिखने लगता है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो सर्च हिस्ट्री जो है ना उसको आप कैसे डिलीट कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जब आप सर्च बॉक्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ढेर सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जितना भी आप सर्च किए रहेंगे सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो या इसको हम कैसे डिलीट करेंगे, इसके लिए डिलीट करने के लिए देखिए दोस्तों एक एक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं और एक साथ भी आप सबको डिलीट कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में सबको डिलीट कर सकते हैं और आप चाहो तो एक एक ठो करके आप डिलीट कर सकते हैं। जिस भी कीवर्ड को डिलीट करना है, जैसे इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो इस पर हम एक बार क्लिक किए रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आ जाएगा रिमूव सजेस्ट फ्रॉम हिस्ट्री, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, देखिए डिलीट हो गया ना। और अब चाहते हैं कि एक ही बार में हम सब डिलीट कर दें तो आपको एक बार बैक कर लेना है, और सबसे पहले आपको डिलीट करने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर में थ्री डॉट का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, सेटिंग बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर में दिखेगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑल टाइम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑल टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो तीन ठो यहाँ पर जो दिया है चेकबॉक्स, इस तीनों पर आप टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए क्लियर डाटा का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लियर बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लियर बटन पर जब आप क्लिक कर लीजिएगा, ये देखिए क्लियर बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो अब ये क्या हो रहा है कि उसको ये डिलीट कर रहा है, ठीक है, हटा रहा है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, अब ये हो गया, बैक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सर्च बॉक्स पर एक बार हम क्लिक करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए। यहाँ आपका सर्च किया हुआ जितना भी रहेगा सब डिलीट हो गया है। ये जो कुछ दिख रहा है ये ट्रेंडिंग है जो कि आपका सर्च किया हुआ नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।